जहां एक ओर राज्य मंत्री असीम अरुण जनपद से लेकर प्रदेश तक ताबड़तोड़ विभागों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महिला मंत्री भी सरकार को मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में प्रतिभा शुक्ला उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार विभाग द्वारा जनपद स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ साथ महिला थाने का औचक निरीक्षण कर दिशा निर्देश देकर व्यवस्थाओं को सुधारने की नसीहत देती हुई नजर आई है। वही महिला थाने में मंत्री की मौजूदगी में आई एक फरियादी की समस्या का तुरंत ही निस्तारण करने के आदेश देते हुए दिखाई दी। महिला थाने में महिला थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक पारुल चौधरी मंत्री जी के निरीक्षण में पूरी तरह मुस्तैद और थाने की बागडोर संभालते हुए नजर आई। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, किसी भी समय दोबारा जनपद का दौरा मेरे द्वारा किया जा सकता है। यदि दोबारा कोई भी कमी पाई गई तो तत्काल पर भाषण संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। 18 साल के तो है नहीं, समझा बुझा के अपने घर ले जाए, किसी का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। एक पेरेंट्स होकर जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही राह में लेके जाए। आप बताइए कैसे, तो नहीं जाना चाहती है तो भाई आप उसको ले जाइए, आप उसके माँ बाप हो, आपने उसको जन्म दिया, अभी उसको अंडर एज है ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देख लीजिए नारी निकेतन भेज के आप अपना पल्ला झाड़ रहे, इसी तरह समाज में कुर्कियाँ फैल रही हैं, सब जगह इधर उधर भटक रहे हैं बच्चे, आप सही संरक्षण नहीं दे रहे तो समाज। अब आप ही जब कह रहे हो कि हम नहीं, नारी निकेतन में क्या हाल है उसका, आप समझाएंगे।